Welcome back. Now the next step of agriculture, that is second step of agriculture after preparation of soil, is sowing. What is mean by sowing? Sowing is nothing but the placing the seeds in the soil for the growth of crop plant. It is a general statement about the sowing, general definition. There is no specific definition, you can interpret in your own way. But सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनको सॉइल में लगा देना ताकि उनमें से क्रॉप प्लांट्स उगाए. This method is known as sowing. अभी sowing जो की जाती है उसके लिए बहुत ही beneficial चीजें ये होती है कि वो किस तरह से आप कर रहे हो. How you are going for the sowing, means which practice you applying. Sowing is done by two ways. एक तो by hand, मतलब हाथ से ही broadcasting method है जिसे हम कहते हैं. And second is with the help of a machine. That machine is called as seed drill. Okay. First we will talk about the broadcasting method. Broadcasting method is the method which is generally applied for the grains. For the grains, cereals or pulses. ये सालों साल मतलब सालों साल से ये मेथड चलता आ रहा है कि जो भी रूरल एरियाज है फार्मर्स विच आर डूइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में खेती करते हैं, जो जिनके पास कोई फैसिलिटीज मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, दे आर डूइंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस. ऑल दीज प्रैक्टिसेस मीन्स ब्रॉडकास्टिंग मेथड से वो सोइंग करते हैं. अभी ये मेथड होती कैसे है? इट्स वेरी सिंपल मेथड, एकदम सिंपल. जैसे आपको मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गई, आपका लैंड एक बार रेडी हो गया, तो दे आर टेकिंग द सीड्स, चाहे वो व्हीट हो, मेज हो, जवार हो, ग्रीन ग्राम, कोई भी हो, वो आप वो एक कंटेनर में लेते हैं और हाथों से उसको ऐसे स्प्रेड करते हैं. दे आर स्प्रेडिंग, दे आर वॉकिंग इन अ रो इन द फार्म, मतलब रो वाइज वो चलते हैं और चलते चलते वो ग्रेन्स को ऐसे फेंकते जाते हैं. आफ्टर दैट दे आर इरिगेटिंग दैट फील्ड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रॉडकास्टिंग मेथड. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक ये है कि इस मेथड में जो भी हम ग्रेन्स डाल रहे हैं बाय हैंड ऑन द सॉइल, उनको बर्ड्स का खतरा बहुत ज्यादा है. कैसे? When we are throwing these grains on the soil, that time that seeds remain superficial on the soil, that does not go little bit deeper also. So when birds are coming to know, birds होते हैं, everyone is in search of food. तो जब उनको ये चीज notice करिए जाते हैं, when they are noticing this thing, that time many birds can attack in your farm and they can carry away these seeds or they can damage the seeds as well. ठीक है, सो इसीलिए सीड ड्रिल जो है वो यूज किया जाता है. अभी सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल भी दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न. ठीक है, हाउ इट इज दैट वी विल सी. जो ट्रेडिशनल मेथड का सीड ड्रिल है वो दैट इज वी कैन से कंटेनर लाइक दिस. ओके, जिसमें ग्रेन्स डाले जाते हैं. ओके, मैन्युअली दैट इज कनेक्टेड टू अ पाइप, आयरन पाइप, एंड दैट पाइप इज कनेक्टेड टू द प्लाव शेयर. ओके, दिस इज अटैच टू द प्लाव शाफ्ट हियर एंड दिस इज अगेन कनेक्टेड टू द बीम, एंड ऑफ कोर्स इट इज द वुडन बीम. Wooden beam and this is the plow share. अभी ये जो होता है that is open at this end. So इससे क्या होता है, when the person, suppose ये एक person है, okay, when they are adding the grains into it and when these bullocks are carrying this drill in forward direction, तो ये जो grains है वो एक एक करके यहाँ पे add ऐसे होते जाते हैं, राइट? या फिर ये जैसे भी आगे जाता है, तो सोचो ये यहां से आगे जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेन्स ऐड होते जा रहे हैं ऐसे. सो व्हेन दिस सीड ड्रिल इज मूविंग इन राउंड,
तो इस तरीके से ये ग्रेन्स जो है यहाँ पे गिरते जाते हैं और सोइंग अपने आप हो जाती है. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड सीड ड्रिल. दिस इज हैविंग ओनली वन ड्रिलर. ठीक है, ड्रिल मतलब टू गो इनसाइड एंड टू ड्रॉप द ग्रेन्स. अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ड्रिल होता है दैट इज ट्रैक्टर ड्रिवन ऑल्सो एंड दैट इज मैनुअल ऑल्सो. लेकिन उसकी एक खास बात होती है, जैसे मैंने कल्टीवेटर के बारे में बताया, ये सेम वैसा ही होता है. उसको भी एक ऐसा कंटेनर होता है बट दैट कंटेनर इज कनेक्टेड टू मेनी पाइप्स. एक सेकेंड. सो जितने ज्यादा पाइप्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये कनेक्ट होता है प्लाव शाफ्ट से. और ये एवरी पाइप इज हैविंग अ प्लाव शेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज गेट्स ओपन इनसाइड द सोइल. सो व्हेन ग्रेन, नाउ दिस इज क्वाइट बिगर इन साइज, सो व्हेन ग्रेन्स आर एडेड इनटू दैट, सो बाय ईच पाइप दिस ग्रेन्स आर अल्टीमेटली गेट सोन इनटू द सोइल. बट इसका बेनिफिट ये है कि एट अ टाइम बहुत सा वाइड एरिया सो हो जाता है. मतलब पहले का ये जो वन रो का डिस्टेंस था वो अभी 6 रो का डिस्टेंस हो जाता है. मीन्स एक ही राउंड में अगर इतना काम हो रहा है तो दूसरे राउंड में इतना, फिर इतना. सो इन दिस वे मोर एरिया ऑफ लैंड कैन बी सोन विद द हेल्प ऑफ दिस सीड ड्रिल इजिली इन लेस पीरियड ऑफ टाइम. लेबर भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगता है, प्लस ज्यादा से ज्यादा लैंड कम समय में सोइंग हो जाती है. अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिकॉशन क्या लेने हैं. सबसे पहले तो होती है सिलेक्शन ऑफ सीड. सिलेक्शन ऑफ सीड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीड आप सो करने जा रहे हो दैट मस्ट बी हेल्दी इस हिसाब से ताकि वो आगे जाके जर्मिनेशन के बाद एक हेल्दी क्रॉप प्लांट में कन्वर्ट होने चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यील्ड हमें मिले. देन ग्रेन तो दिखने में ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, ना उनको कोई होल है, ना कोई छेद है, ना वो लाइट एंड वेट है. तो फिर हाउ विल वी जज कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सीड्स है ये हेल्दी है? उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है आपको. एक्टिविटी मतलब एज बीइंग अ फार्मर, आप जो भी सीड्स सो करने जा रहे हो उनको पहले सेपरेट ले लो. एक बड़ा सा कंटेनर ले लो जिसमें यू हैव टू एड वॉटर. क्या करना है आपको? वॉटर डालना है. फिर ये जो सीड्स है जो आप सोइंग के लिए लेने वाले हो दैट ऑल सीड्स यू हैव टू एड इन टू द वॉटर. वॉटर में वो सारे सीड्स आपको डालने हैं. कंटेनर बड़ा लो, बड़ी क्वांटिटी में लो, क्योंकि अगर आपको 5 एकड़ 10 एकड़ एरिया की जो करनी है सोइंग, सो फॉर दैट यू नीड अ बिग वेसल, बिग कंटेनर. ओके, इट इज अ सिंपल मेथड फॉर शॉर्ट स्केल सोइंग. देन यू स्टर दिस वॉटर, हाथों से ऐसे उसको घुमाओ, ठीक है, पूरा. मतलब लेट द वॉटर मिक्स विद द सीड्स, मतलब सीड अच्छे से और पानी वो सीड दोनों अच्छे से मिक्स होने चाहिए. उसके बाद अलाउ इट टू गेट स्टेबल हो जाने दीजिए उसे. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द स्टर्ड वॉटर गेट स्टेबल, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर. कुछ सीड्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं वॉटर सर्फेस पे, और कुछ जो सीड्स है वो सिंक हो गए हैं वॉटर में. सो दीज सीड्स विच फ्लोट्स ऑन द वॉटर सर्फेस दैट आर नॉट हेल्दी सीड्स. जो हेल्दी है वो सिंक हो गए हैं. जो भी डैमेज्ड है या फिर इमेच्योर है या फिर नॉट हेल्दी है, दे ऑल विल फ्लोट ऑन द वॉटर. फिर उनको आपको रिमूव करना है. रेस्ट ऑफ द सीड्स विच आर सेटल एट द बॉटम दैट आर रेडी फॉर द सोइंग. ठीक है, अभी नाउ अडेज ये
ये जो मेथड थी ये बहुत ही पुराने जमाने की है. बहुत ही पुराने जमाने की मतलब अर्लियर व्हाट फार्मर्स वर डूइंग व्हाटएवर यील्ड दे हैव गॉट दिस ईयर फ्रॉम दैट दे वर कीपिंग सम ग्रेन्स एज अ सीड फॉर द नेक्स्ट ईयर सोइंग. तो पूरे साल वो उनको संभाल कर रखते थे. सो ड्यूरिंग दैट वन ईयर और ड्यूरिंग दैट स्टोरेज पीरियड अगर कुछ डैमेज हो गए या उसमें इंसेक्ट्स ने वगैरह अटैक कर दिया या बोरर्स लग गए उसमें, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये मेथड थी. नाउअडेज वी आर गेटिंग अ प्रॉपर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स इन द मार्केट फॉर सोइंग द सीड्स डायरेक्टली इन द फार्म. मतलब आप वो पैकेट्स ला सकते हो सीड्स के. इट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ केजी, लाइक 50 kg, 100 kg, 5 kg. इट्स अप टू योर एरिया ऑफ फील्ड एंड डायरेक्टली यू कैन सो विदाउट टेस्टिंग लाइक दिस. नाउ सेकेंड प्रिकॉशन क्या होती है, जब आप सोइंग कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट प्रॉपर जो डेप्थ होती है ना, प्रॉपर डेप्थ दैट शुड बी मेंटेन. प्रॉपर डेप्थ इसलिए क्योंकि सीड सो करने के टाइम पे वो ना तो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल चाहिए ना तो बहुत ज्यादा डीप चाहिए. ज्यादा सुपरफिशियल हो गए तो दो चीजें हो सकती, या तो बर्ड्स या इंसेक्ट उनको खा जाए और सेकेंड इरिगेशन के बाद वो पानी के साथ बह जाए. ठीक है, इसलिए सुपरफिशियल नहीं चाहिए. उनको सॉइल चाहिए, उनको मॉइस्चर चाहिए ताकि वो जर्मेंट हो सके. सेकेंड थिंग, अगर वो ज्यादा डीप चले गए तो दैट सीड विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट बिकॉज ऑफ द सफोकेशन. व्हाई एंड हाउ? अगर वो ज्यादा डीप है तो उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है जर्मिनेट होने के लिए, उनको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है. अंडरस्टूड? मिल भी गया तो उस प्ल्यूमल में वो जो डेलिकेट शूट पार्ट है विच इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सीड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग का इतना थिक सॉइल का लेयर पार करके ऊपर आ जाए एंड अल्टीमेटली द सीड डाइज. और आपके सभी सीड्स उतनी ज्यादा डेप्थ में है तो सोचो कुछ भी नहीं आएगा. क्लियर? सो प्रॉपर डेप्थ होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड बात होती है प्रॉपर स्पेस, स्पेसिंग बिटवीन टू क्रॉप्स और टू सीड्स. ठीक है, व्हेन वी आर सोइंग वी हैव टू कीप इन माइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीड्स और दो रो. मतलब ठीक है, ये आपने दो सीड के बीच में इतना डिस्टेंस रखा लेकिन ये बहुत ही दूसरी जो रो है वो बहुत ही पास आ गई तो इन दोनों में उतना डिस्टेंस बन रहा है नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर डिस्टेंस इन द रो ऑल्सो एंड कॉलम्स ऑल्सो सो दैट ईच प्लांट विल गेट सफिशियंट प्लेस, सफिशियंट स्पेस ऑल्सो टू ग्रो हेल्दी. अदरवाइज there will be the crowd of crops and that will not grow easily. grow होंगे but वो healthy नहीं होंगे. understand? grow तो हो नहीं है, fertilizer दे रहे, manure दे रहे, पानी दे रहे, sunlight मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी healthy grow नहीं होंगे वो. उनकी जो stem रहती ना, वो जो stem है that remains thin, that does not become strong. example है आपके लिए. then जो soil थे should not be very ड्राई. जो भी ये सॉइल है, सपोज ये आपका पीस ऑफ लैंड है, शुड नॉट बी वेरी ड्राई. क्यों? अगर वो बहुत ही ज्यादा ड्राई है, बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो उतना मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा सीड्स के लिए जितना उनकी जर्मिनेशन के लिए उनको चाहिए. अंडरस्टैंड? और सेम थिंग रेडिकल और प्ल्यूमल दोनों को, रेडिकल को नीचे जाने के लिए एज बींग रूट पानी एब्जॉर्ब करने के लिए डिफिकल्टी होगी क्योंकि सॉइल ड्राई है, और ट्यूमिल ऊपर नहीं आ पाएगा क्योंकि सॉइल ड्राई है तो इट डज नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ सो दैट इट विल गो अप एंड रीच टू द सुपरफिशियल लेवल, टॉप लेवल. क्लियर? और ड्राई है तो इसकी वजह से बहुत से जो सीड्स है वो प्रॉपरली जर्मिनेट हो ही नहीं पाते. समटाइम इट हैपन्स दे स्टार्ट टू जर्मिनेट एनी हाउ बट दे डाइज आफ्टर सम टाइम. क्लियर? सो सॉइल शुड नॉट बी सो ड्राई. देन और एक चीज है, ड्राई नहीं रखने इसका मतलब ये नहीं कि पानी देते जाओ देते जाओ देते जाओ. सो इट शुड नॉट बी सो मच वेट ऑल्सो, ज्यादा वेट भी वो नहीं चाहिए. क्यों? यू नो दैट सॉइल कंटेंट्स एयर, पता है ना? हाँ, सॉइल कंटेंट्स एयर
and that air is very 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 important for the respiration of the plants, for the respiration of microbes. तो जो हम seed soak कर दिए है soil में, उसको भी grow होने के लिए क्या चाहिए? Air चाहिए, oxygen चाहिए respiration के लिए, right? So if that soil is wet, उसका मतलब the space of the air has been occupied by the water. That means that is waterlogged soil. There is no air, and in that situation, the seed, germinating seed, will suffocate because of lack of air, lack of oxygen, and seed will not germinate. Clear? That seed will not germinate. So that's why, भले आपके पास सभी टेक्निक से आपको पूरा अवेयरनेस है, लेकिन क्या कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी मात्रा में करना है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए. इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज टेक्निक्स बाय कंसीडरिंग ऑल दिस प्रिकॉशंस, सो डेफिनेटली व्हाटएवर सीड्स यू हैव सोन विल जर्मिनेट इन वेरी प्रॉपर वे एंड विल कन्वर्ट इनटू द हेल्दी क्रॉप. क्लियर? नाउ और एक मेथड है सोइंग की, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन. नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसप्लांटेशन एंड हाउ डज इट carried out, where does it carried out, that we will see in the next session. Thank you.